देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो बहुत बड़ी बनती हैं, जो इतनी खाइयां पैदा करती हैं। गर्मी के दिन ससुर जी ने कहा कि चाय बनाओ, बेटी गर्मी में पिहर आई है, बहू भाभी भी है। बेटी ने कहा पापा जी बनाती हूं। अम्मा कहती बेटी तू क्यों बनाएगी? बोले क्यों, भाभी है ना, तू तो चार दिन को आई आराम कर ले, तू भी तो ससुराल से आई है, थोड़ा सा आराम कर ले, चैन से रह ले, भाभी है ना वो चाय बना देगी। अब ये शब्द यदि बहू के कान में पड़ गए, ध्यान रखना, एक प्याला चाय बनाने में बेटी कमजोर नहीं हो जाती, उसका बीपी नहीं बढ़ जाता, वो बेहोश नहीं हो जाती। ध्यान रखना, एक प्याला चाय में कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं था, लेकिन जब कोई सास ये शब्द बोलती है ना कि तू आराम कर भाभी बनाएगी, ध्यान रखना, एक प्याला चाय ने तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी। ध्यान रखिए, छलनी हो जाता है उस बहू का सीना। क्या फर्क पड़ता है यदि बेटी बना लेती तो। और मैं तो इन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चार दिन को आई हो पीहर में आग लगा के मत जाओ। ध्यान रखिए, आधी आग तो ये लोग भी लगाती हैं। आ गई क्या रक्षाबंधन पे? मिठाई खाओगी और आग उगल के जाओगी। ध्यान रखना, इतनी समर्पण दिखाती है पीहर में आकर के अपने मां बाप के लिए, पूरी बिछी जाती, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा, भाभी तू ये नहीं करती है, भाभी तू सम्मान नहीं करती, भाभी तू इज्जत नहीं करती है। चार सब इतना प्रेम, गजब, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभचिंतक केवल तुम ही हो। बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में, बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी माँ से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना भाई को व्यंग करोगी शादी के बाद, भाभी को व्यंग करोगी शादी के बाद, तू मम्मी का ख्याल नहीं रखता, तू पापा का ख्याल नहीं रखता है, इतनी बातें कर रही हो और ससुराल को नरक बना रखा है। ध्यान रखिए, इतनी ईमानदार होती तो तुम्हारी ससुराल भी स्वर्ग जैसी बन गई होती। जितना समर्पण माँ बाप को दिखाती हो ना चार दिन में, उतना सास ससुर को दिखाओ, पलकों पे बैठोगी ससुराल में जाकर के। ध्यान रखिए, सोचना है, ससुराल नरक बना है, पीहर सुधारने की बातें करती है। प्लीज अपने पीहर में आग मत लगाइए। अधिकतर झगड़े तभी होते हैं जब ननंद घर में आती है। नंद गले का कौन बोला फंद? ध्यान रखिए, मान्यवर मत, 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 मत। अरे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए अपनी भाभी को कि मुझे मेरे माँ बाप ने पाला पुसा कर बड़ा करके विदा कर दिया पराए घर में, मैं अपनी माँ का उतना ध्यान नहीं रख पाती। भाभी तू धन्य है कि बुढ़ापे में मेरी माँ का ध्यान रखती है। ये तुम्हारी समझदारी होती है। उस भाभी को सीने से लगाओ, उस भाभी को धन्यवाद दो, उस भाभी को प्रोत्साहन दो, उस भाभी का मान बढ़ाओ, एहसान मानो उसका। तुम तो शादी करके चली गई, बुढ़ापे में साथ तो वही देने वाली है। ध्यान रखिए, लेकिन तुम आके मम्मी के कान में कुछ डालती हो, भाभी के कान में कुछ और डालती। महाभारत खड़ी कर, जिस घर में बेटियां का इंटरफेयर होता है ना, उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता है। ध्यान रखिए, इतना ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ पर डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिए। आपसे निवेदन है, समझदार हो जाइए। अरे बेटा इतने जल्दी पराया नहीं होता है, बेटे ने थोड़ा समय पत्नी को दे दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि वो माँ बाप से प्यार नहीं करता है। बेटे ने थोड़ा सा समय पत्नी को ज्यादा दे दिया तो वो तुमको इग्नोर कर रहा है, ये मानसिकता हटाइए। समय भले भी देता हो, बेटा तो बेटा हुआ करता है ना। मान्यवर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, अरे कभी एक बार अपनी बहू को बाहों फैला कर गले से लगाने का प्रयास किया करो, कभी बोला करो कि मेरी बेटी, जो साथ बेटी नहीं देती वो तू मेरा साथ दे रही है, तू मेरा ख्याल रखती है, 24 घंटे मेरे साथ रहती है,
कभी तो उसे सीने से लगाया करो। बेटी को सीने से लगाते हो लेकिन बहू को सीने से नहीं लगाते हो। मान्यवर, मैं जानता हूं एक सास को बरसी तप की है उसने, एक एक साल के उपवास किए, बहू मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी सासू आपके दर्शन करना चाहती है। श्वेतांबर समाज की थी। मैंने कहा 4-5 बजे ले आना, दर्शन दे दूंगा। 80 साल की वह सास बहू लेकर के आई उसे। उसने कहा महाराज इन्हें आशीर्वाद दो, बरसी तप कर रही हैं, एक एक साल से उपास करे हुए हैं। मैंने देखा कि 80 साल की उम्र में इतने बड़ी तपस्या कर रही है। मैंने कहा मां तुम्हारा जीवन धन्य है, मैं तुम्हारी अनुमोदना करता हूं, इस उम्र में भी तुम इतने उपास कर रही हो। जानते हो उस सास ने क्या कहा? महाराज धन्यवाद मुझे नहीं, मेरी बेटी को दीजिए, मेरी बहू को दीजिए। मैंने कहा उपास तुम कर रही हो, धन्यवाद उसे? बोले महाराज इतना प्यार और इतनी सेवा तो मेरी बेटी मेरी औलाद नहीं करती जो सेवा मेरी बहू किया करती है। धन्यवाद इसे दो महाराज, मैं उपास करके बैठती हूँ, ख्याल ये रखती है। मैंने कहा कि महाराज के दर्शन करना है, इसने सब काम छोड़ करके मुझे आपके चरणों में लाई है। बेटी से कहती हूं तो जवाब दे देती है, बहू ने नहीं दी है। बहू ने नजरें झुकाई, महाराज ये अम्मा जी हैं, ये तो बोलती हैं, ये मेरी मां से भी बढ़कर मुझे प्यार किया करती हैं। सास ने कहा कि नहीं महाराज आप इसे आशीर्वाद दो, और मैं तो ये कहती हूं मेरी तपस्या का पुण्य भी मेरी बहू को लगना चाहिए। मैंने कहा इतना प्रभावित क्यों हो बहू से? बोले महाराज ये बहू नहीं है, देवी है इस घर की। एक सास के मुंह से ऐसे शब्द निकले, सोचो बहू का जीवन धन्य हो जाया करता है, उसके जीवन में सुख शांति का भंडार हो जाया करता है। सास ने कहा कि महाराज मैंने संकल्प लिया कि बरसी तप का उपवास करूंगी, और जब से मैंने 1 साल से व्रत कर रही हूं ये बहू पीहर नहीं गई, नहीं जाती। वो पीहर से खबर आती है, भाई लेने आता है, पिताजी लेने आते हैं। मैं कहती हूं बेटा चली जा पीहर माँ बाप से मिल ले, वो कहती मम्मी आज आपका उपवास है मैं कैसे जा सकती हूँ। और जब दूसरे दिन पारणा करती हूँ ना तो कहती है जहां मेरी माँ पारणा कर रही है उसे छोड़ करके पीहर कैसे चली जाओ, ये जाती नहीं है, 1 साल से पीहर नहीं गई है, केवल इसलिए कि मैं बरसी तप करती हूँ। महाराज असली तप मेरा नहीं, असली तप तो इस बहू का हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैं बड़े बड़े ग्रंथों पर भी प्रवचन कर सकता हूं, मैं समयसार पे बोल सकता हूं, मैं गीता पे बोल सकता हूं, मैं महापुराण पे बोल सकता हूं, मैं कुरान पे बोल सकता हूं, लेकिन मुझे ये लगती है सबसे बड़ी मजबूरी कि आगम की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आदमी के जीवन में नैतिकता और व्यवहारिकता आना चाहिए। आदमी नैतिक और व्यवहारिक नहीं हुआ, आदमी ने यदि अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं किया तो बड़े बड़े ग्रंथों से कोई क्रांति खड़ी होने वाली नहीं। पहले अपने घर को मंदिर बनाओ। एक बात बताओ, मंदिर में महिलाएं जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, सूरत में तो बहुत ज्यादा जाते हैं। एक बात बताओ, मंदिर जाते हो कितनी देर रहते हो मंदिर में? ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो ना, जेल की थोड़ी पूछ रहा हूं। 10 मिनट काहे को जाते हो भाई, जा ही मत करो। हाँ आधा घंटा, इस उम्र में तो 1 घंटा रहना चाहिए। ध्यान रखिए आप मंदिर जाते हैं, आदमी 10 मिनट रुकता है, 15 मिनट रुकता है, 20 मिनट रुकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और जोर लगा दो 1.5 घंटा, 2 घंटे अम्मा जी हुई तो। ध्यान रखना जिस मंदिर में तुम जाते हो
एक घंटा उस मंदिर में रुकते हो और उस मंदिर को बहुत पवित्र बना करके रखा करते हो, मंदिर में शांति का वातावरण निर्मित करते हो, मंदिर का वातावरण बड़ा पवित्र और पूजनीय बना दिया करते हो। सूरत वालों में आपसे कह रहा हूं, जिस मंदिर में एक घंटे रुकना है उसे पवित्र बनाते हो, और जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे पवित्र क्यों नहीं बनाते हो, उसे मंदिर जैसा पावन क्यों नहीं बनाते हो। एक घंटे वाले मंदिर की पवित्रताएं हैं, 23 घंटे वाले घर को अशांत क्यों बनाते हो। एक घंटे जो आप मंदिर में सीखते हो उसे 23 घंटे जीवन में जीने का प्रयास करिए, तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक और सफल हो जाएगा।